Hello dear students, I welcome all of you to this online digital session. In this session, I am going to discuss with you about the experimental method. In the previous session, we have already discussed the survey method and in the subsequent previous lectures or session, we have already finished our discussion on observation method and case study method. And we are discussing the chapter, the methods of educational psychology. We are discussing the chapter, the methods of educational psychology, and we have already finished some methods, observational methods, case study methods, and survey method. And today we will discuss the experimental method. So before discussing or before proceeding the session, I request you sincerely to watch those videos prepared for the observational method, case study method, or survey method, so that you can understand those and that can be applied by you to the teaching learning situation for the students or for your better understanding. So now we will discuss the experimental method. First, we will discuss the meaning of experimental method. तो इस वीडियो में और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल मेथड को. इससे पहले हम बहुत सारे मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी मेथड और सर्वे मेथड. सो वो सब सेशन जिन्होंने नहीं देखा है, इसको देखने के लिए सिंसियरली आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू. सो फर्स्ट मीनिंग देख लेते हैं. द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. William Wundt, a German psychologist, opened the first psychological laboratory at Leipzig in 1879 and thus laid the foundation of experimental method in psychology. So, ये जो experimental method है, experimental method, it is the study of human behavior. Human behavior को study करने के लिए ये एक method है, experimental method. It is useful in to study the human behavior. मानव का व्यवहार को स्टडी करने के लिए, अनुध्यान करने के लिए ये मेथड बहुत ही हेल्पफुल है. तो विलियम वुंड ए जर्मन साइकोलॉजिस्ट, यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट है विलियम वुंड, जिन्होंने 1879 में लीप्ज़िग में एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी को ओपन किए थे. फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड इज ओपन बाय विलियम वुंड इन 1879 एट लीप्ज़िग. लीप्ज़िग में 1879 को विलियम वुंड ने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी को ओपन किए थे एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इन साइकोलॉजी. सो साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल मेथड का फाउंडेशन इन्होंने ही दिया था, विलियम वुंड ने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी ओपन करके इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड का बेस दिया था, फाउंडेशन दिया था. सो It is a very systematic, objective and planned observation which helps to understand, control and predict the human behavior. So, ये जो method है, ये very systematic method. ये एक systematic method है, ये systematic process से study करता है, ये objective method से and ये planned observation है. इसमें ये जो method है, इसमें planning की आवश्यकता है, ये plan करके observation करता है. So, human behavior को understand करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए ये एक जबरदस्त मेथड है जो कि सिस्टमेटिक प्रोसेस को ही अपनाता है. डेफिनेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड. फर्स्ट नाउ वी विल सी द डेफिनेशंस, सम डेफिनेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड. फर्स्ट वी विल टेक द डेफिनेशन ऑफ क्रो एंड क्रू. एक्सपेरिमेंटल मेथड हेल्प्स टू डिटरमाइन चेंजेस इन ए चाइल्ड डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ हिज बिहेवियर इन सीरीज ऑफ सिचुएशन कंट्रोल्ड बाय द एक्सपेरिमेंट. सो ये जो डेफिनेशन दिया गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड हेल्प्स टू डिटरमाइन चेंजेस इन ए चाइल्ड डेवलपमेंट. चाइल्ड का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ हिज बिहेवियर, बिहेवियरल डेवलपमेंट जो हो रहा है और बिहेवियर की जो चेंज हो रहा है इसको डिटरमाइन करता है एक्सपेरिमेंटल मेथड. एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ह्यूमन बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं और जो डेवलपमेंट होते हैं इसको ये डिटरमाइन करता है. इन सीरीज ऑफ सिचुएशन, बहुत सारे सिचुएशन में, कंट्रोल्ड सिचुएशन में बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हीं चेंजेस को ये डिटरमाइन करता है. सो नेक्स्ट रॉबर्ट वाटसन. In the experimental method, the distinguishing operation is the manipulation by the investigator of some specific stimulating condition, the independent variable.
इन्होंने बताया है कि इन द एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है इसमें द डिस्टिंग्विशिंग ऑपरेशन इज द मैनिपुलेशन बाय द इन्वेस्टिगेटर ऑफ सम स्पेसिफिक स्टिमुलेटिंग कंडीशन। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है ये क्या करते हैं, कोई ऐसा कंडीशन क्रिएट करते हैं जहां पे कि द इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्ड एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, कंट्रोल सिचुएशन। और हम जानते हैं कि बिहेवियर को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बिहेवियर को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। ये जो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इनमें से अगर कोई एक वेरिएबल को हम लोग इंडिपेंडेंट रखेंगे और बाकी सब वेरिएबल्स को जो है इनको अगर कंस्टेंट रखेंगे और हम देखेंगे कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका इफेक्ट क्या हो रहा है बिहेवियर के ऊपर और अदर वेरिएबल्स के ऊपर। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड में वही होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट रखा जाता है, उसके प्रभाव देखने के लिए ही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बाकी सब वेरिएबल्स को कॉन्स्टेंट रखा जाता है। सो नाउ वील डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड। फर्स्ट, इट एनेबल्स टू स्टडी द इंडिविजुअल्स बिहेवियर अंडर कंट्रोल कंडीशन। ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये क्या हेल्प करता है कि कंट्रोल कंडीशंस में इंडिविजुअल के जो बिहेवियर हैं इनको स्टडी करने के लिए ये हेल्प करते हैं। डिफरेंट कंट्रोल कंडीशंस में कैसे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है बिहेवियर का, ये सब स्टडी करने के लिए ये हेल्प करते हैं। देन द एक्सपेरिमेंटल मेथड कैन बी रिपीटेड विदाउट एनी डिफिकल्टी। ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है इसको रिपीट किया जा सकता है, यू कैन रिपीट द एक्सपेरिमेंटल मेथड विदाउट एनी डिफिकल्टी। बिना कोई डिफिकल्टी से हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम रिपीट कर सकते हैं। अगर एक सिचुएशन में, एक कंडीशन में एक वेरिएबल्स का प्रभाव क्या हो रहा है बिहेवियर के ऊपर, इसको हम दूसरे सिचुएशन में, सपोज टुडे वी हैव एक्सपेरिमेंट ऑन चाइल्ड्स बिहेवियर के ऊपर, एक एक्सपेरिमेंट आज की, और इसमें एक वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखे और एक वेरिएबल को हम लोग इंडिपेंडेंट छोड़े और उसका प्रभाव क्या हुआ उसको लिख के रखे, नोट किए। सो ये यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा इसको अगर हम कल भी अगर सही सिचुएशन से कंट्रोल से मतलब कंडीशन क्रिएट करेंगे और सही वेरिएबल्स के हेल्प से, मतलब एक वेरिएबल्स को कंस्टेंट रखेंगे, दूसरे वेरिएबल को इंडिपेंडेंट रखेंगे और फिर से अगर टेस्ट करेंगे तो सही रिजल्ट आ सकता है। सो डाटा ऑब्टेंड थ्रू द एक्सपेरिमेंटल मेथड आर ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल मेथड से जो डाटा इन्वेस्टिगेटर को मिलता है वो डाटा सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं और रिलायबल। यहाँ पे सब्जेक्टिविटी कम आता है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में कौन सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर रहते हैं वो क्या सब स्टेप्स फॉलो करते हैं, सो उसके फर्स्ट स्टेप्स है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। वो फर्स्ट एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, इनमें से कोई एक प्रॉब्लम को वो आइडेंटिफाई करते हैं। देन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, उसके बाद हाइपोथेसिस वो फॉर्मुलेट करते हैं। देन सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट डिजाइन, उसके बाद एक डिजाइन सिलेक्ट करते हैं, वन ग्रुप डिजाइन है, टू ग्रुप डिजाइन है, मल्टी ग्रुप डिजाइन है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देन कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है एनालाइजिंग द डाटा को एनालिसिस करते हैं। सो ये सब स्टेप्स है। उसके बाद है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किए गए थे उसका टेस्ट होता है आफ्टर द डाटा एनालिसिस। देन ड्रॉइंग द कंक्लूजन, उसके बाद ही कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। सो क्या है स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड में, फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, देन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, देन सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट डिजाइन, देन कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, एनालाइजिंग द डाटा, देन टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एंड देन ड्रॉइंग द कंक्लूजन। सो ये सब स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में। सो नेक्स्ट आई विल डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का जो एसेंशियल्स हैं, क्या सब किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में, ये सब
डिस्कस करेंगे. सो एन एक्सपेरिमेंट इज द ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशंस. एक्सपेरिमेंट क्या है? ये एक ऑब्जर्वेशन है. कंट्रोल कंडीशंस में बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन है, बिहेवियर का, व्यवहार का एक निरीक्षण है कंट्रोल कंडीशंस में. दिस एनाबल्स द एक्सपेरिमेंटर टू स्टडी ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर द डिजायर्ड कंडीशंस व्हिच कैन बी ऑल्टर्ड अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट्स. ये क्या करता है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है, ये एक्सपेरिमेंटर को और इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करता है टू स्टडी ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए ये बहुत ही हेल्प करता है एक्सपेरिमेंटर को. इन दिस मेथड ऑल कंडीशंस और वेरिएबल्स अफेक्टिंग द बिहेवियर अंडर स्टडी आर केप्ट कॉन्स्टेंट और कंट्रोल्ड. ओनली वन सिंगल स्पेसिफिक कंडीशन इज चेंज्ड डिलीवरली टू सी इट्स अफेक्ट ऑन द बिहेवियर. ये जो मेथड्स है इसमें क्या किया जाता है, इन दिस मेथड ऑल कंडीशंस और वेरिएबल्स अफेक्टिंग द बिहेवियर. व्यवहार को जो सब कंडीशंस और वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं, व्यवहार के ऊपर जिन सब वेरिएबल्स का प्रभाव है, इन सभी वेरिएबल्स को कंस्टेंट रखा जाता है. ओनली वन सिंगल स्पेसिफिक कंडीशन और वेरिएबल को क्या किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं डिलीवरेटली, जानबूझ के चेंज किए जाते हैं एक कंडीशन और एक वेरिएबल्स को टू सी इट्स इफेक्ट, इसके प्रभाव देखने के लिए ऑन द बिहेवियर, व्यवहार के ऊपर उसका प्रभाव क्या हो रहा है इसको देखने के लिए इसको डिलीवरेटली चेंज किए जाते हैं और इसको इंडिपेंडेंट रखा जाता है. सो यहाँ पे हम लोग ये जाने कि व्यवहार को प्रभाव करने वाला बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिहेवियर, सो मेनी वेरिएबल्स अफेक्टिंग द बिहेवियर. सो यहाँ पे सभी वेरिएबल्स को कंस्टेंट रखा जाता है, ओनली वन सिंगल स्पेसिफिक वेरिएबल्स को यहाँ पे डिलीवरली चेंज किए जाते हैं. सो नेक्स्ट, दिस स्पेसिफिक कंडीशन और वेरिएबल इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पे जो वेरिएबल जिसको हम लोग चेंज कर रहे हैं डिलीवरेडली जो चेंज कर रहे हैं उसको कहते हैं क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एनी चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कॉजेस ए कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द सेकंड वेरिएबल. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज किए जाएंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा सेकंड वेरिएबल में और अदर वेरिएबल्स में इसका प्रभाव होगा. सो सेकंड वेरिएबल को यहाँ क्या कहा जाता है, द सेकंड वेरिएबल इज कॉल्ड एज द डिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पे सेकंड वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है. सो हम लोग यहाँ पे ये जो एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जो डिस्कस की, इसमें हमें ये पता चला कि बिहेवियर को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे वेरिएबल्स और कंडीशंस हैं. इनमें से अगर कोई भी एक सिंपल वेरिएबल को हम लोग डिलीवरेडली चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, अदर वेरिएबल्स के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा. सो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में क्या इफेक्ट आ रहा है और बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं इसको ही स्टडी किए जाते हैं, इसको आइडेंटिफाई किए जाते हैं और कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं. सो इस सेशन में इतने ही डिस्कस करेंगे. इन द नेक्स्ट सेशन वील डिस्कस द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इट्स ए मेरिट्स, लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशन. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है, इसका मेरिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है और एप्लीकेशंस क्या है. सो वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द लेटेस्ट वीडियोज ऑन एजुकेशन. सो वेरी वेरी थैंक्स टू यू.